हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल आपकी रसोई सीमा पर। आप सभी को लोहड़ी, मकर संक्रांति और पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आपके मुरमुरे के लड्डू अच्छे से नहीं बन पाते तो मेरी मम्मी की ट्रिक के साथ बनाइए तो आपके मुरमुरे के लड्डू या फिर पोहे की लड्डू कभी खराब नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। हाँ, मम्मी ने 1 से 2 गिलास पानी लिया है और 500 ग्राम गुड़ लिया है। दोनों को हम पिघलने देंगे। थोड़ी देर बाद इसकी चाशनी अच्छे से पकेगी तो ये गाढ़ी भी होने लगेगी। और इस चाशनी को बनाने के लिए हमें हाई फ्लेम का ही इस्तेमाल करना है। गुड़ की चाशनी को पकाने में वक्त लगता है, इसलिए चाशनी को हमें अच्छे से पकाना है। यहाँ मम्मी ने बहुत ही पारंपरिक तरीके से ये रेसिपी बनाई है और इस चाशनी को चेक करने के लिए मेरी मम्मी ने हाथों से ही इसे चेक करती है। आप ये गलती मत कीजिएगा। आप इस चाशनी को चेक करने के लिए पहले एक कटोरी में पानी लीजिएगा, उसमें गुड़ की चाशनी को डालकर फिर चेक कीजिएगा। देखिए, मेरी मम्मी की चाशनी अच्छे से तैयार हो गई है और देखिए चाशनी में तार बन रही है। चाशनी बनने लगे तो समझ जाइएगा कि चाशनी तैयार हो गई है। तो यहाँ हमने पोहे की लड्डू बना रहे हैं, तो यहाँ मम्मी ने पहले पोहे में इस चाशनी को डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर रही है। चाशनी डालने के पहले ही इस पोहे में मम्मी ने भुने हुए बादाम और भुने हुए तिल डाले हैं, उसके ऊपर ही फिर उसमें चाशनी डालना है। तिल और बादाम डालने से बहुत ही अच्छे लगते हैं ये लड्डू। और हाँ, यहाँ पे गुड़ की चाशनी अभी गर्म है तो हमें इसमें अभी हाथ नहीं लगाना है। पहले हमें करछे से इसी तरह से इसे मिक्स करना है। जब सारे गुड़ और पोहे अच्छे से मिक्स हो जाए और बनने लगे तो फिर इसे हाथों से इसे मिक्स करना है। देखिए मम्मी कैसे मिक्स कर रही है। इस तरह से मिक्स करने के बाद ये अच्छे से मिक्स हो जाती है। मिक्स होने के बाद ये एक जगह बनने लगती है तो उसी समय हमें छोड़ देना है और इसका लड्डू बनाकर हमें तैयार करना है। टिप्स 1, पहले यहाँ हाथों में पानी लगाना है, लेकिन हल्का लगाना है। अगर हाथों में ज़्यादा पानी रहेंगे तो पोहे की लड्डू बाद में ये खराब हो जाएगी, इसलिए हमें हल्का ही पानी लगाना है और फिर लड्डू बनाकर हमें तैयार कर लेना है। देखिए, हमारे पोहे की लड्डू बनकर तैयार है और ये चाशनी हार्ड भी नहीं होती, तो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाइएगा आप भी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बनाते हैं हम मुरमुरे की लड्डू। मुरमुरे की लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ 2 गिलास पानी लिया है और 500 ग्राम गुड़ लिया है। 500 गुड़ लगभग 9 चिक्की गुड़ की हो जाती है। लेकिन हाँ, मुरमुरे की लड्डू के लिए चाशनी थोड़ी गाढ़ी बनती है पोहे वाली लड्डू से। तो देखिए, गुड़ और पानी अच्छे से मेल्ट हो गया है। कुछ देर पकने के बाद यहाँ चाशनी भी अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी। इस चाशनी को भी हमें हाई फ्लेम पे ही पकाना है, लो फ्लेम पे नहीं। अगर लो फ्लेम पे पकाने से ये होगा कि बहुत ही देर लगेगी चाशनी बनाने में। मैं एक और भी रेसिपी दिखाऊंगी जो बिना हाथ लगाए मुरमुरे की रेसिपी तैयार होगी। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको पता चलेगा कि बिना हाथ लगाए ये लड्डू कैसे तैयार होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी चाशनी तैयार हो गई है मुरमुरे की लड्डू के लिए। देखिए, मुरमुरे में बादाम और तिल डाले हुए हैं। देखिए चाशनी कितनी गाढ़ी हुई है। अब मुरमुरे में हम चाशनी को डाल देंगे। मुरमुरे की लड्डू बनाने के लिए यहाँ 2 से 3 लोगों का काम पड़ता है। चाशनी को मुरमुरे में डालने के बाद हमें इसे मिक्स करना है और यहाँ पर अभी चाशनी गर्म है तो हमें हाथों की मदद से नहीं करना है, करछे की मदद से ही इसे पहले मिक्स करना है। थोड़े ये हल्के ठंडे हो जाएंगे तो फिर हमें हाथों से इसे मिक्स करना है, तो लड्डू बनाने में दिक्कत होती है। इसलिए यहाँ 2 से 3 आदमी या ज़्यादा भी आदमी रहते हैं तो ये अच्छे से और जल्दी बनते हैं लड्डू। तो देखिए, मम्मी ने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम मुरमुरे की लड्डू बनाएंगे। हाथों में पहले पानी लगा लेंगे, फिर लड्डू बनाकर हम तैयार करेंगे। हमारे यहाँ ये लड्डू बहुत ज़्यादा बनते हैं। अगर आपके घर में 1 से 2 लोग हैं तो आप 1 कटोरी मुरमुरे की जगह 1 कटोरी गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोगों ने 500 ग्राम गुड़ लिया था तो उसकी जगह पे हमने यहाँ 1 केजी मुरमुरे लिए थे। अगर चाशनी आपकी कम रहेगी तो मुरमुरे की लड्डू अच्छी नहीं बनेगी और मीठे भी नहीं लगेंगे। तो देखिए, हमारे मुरमुरे की लड्डू भी बनकर तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सभी को कैसी लग रही है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए, अब मैंने जो बताया था कि बिना हाथ लगाए ये लड्डू कैसे तैयार होगी, इस लड्डू को बनाने के लिए मम्मी ने उसी तरह से चाशनी को तैयार किया है। और यहाँ गमले में मुरमुरे लिए हैं, उसमें तिल बादाम को दोनों को मिक्स कर लिया है। जैसे ही चाशनी गाढ़ी हो जाएगी, इससे पहले हमें जिस प्लेट में हमें मुरमुरे बनाने हैं उस प्लेट में हमें घी या तेल लगाकर ग्रीस कर लेना है। इस प्लेट को घी से ही ग्रीस कीजिएगा, जिससे खाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो देखिए, चाशनी तैयार हो गई है तो मुरमुरे में डालकर इसे उसी तरह से हमें मिक्स करना है करछे की मदद से।
अच्छे से मिक्स करने के बाद हाथों से इसे मिक्स कर लेना है जिससे ये बनने लगे। मिक्स करने के बाद जिस प्लेट में हमने घी लगाया था उस प्लेट में हम मुरमुरे को डालकर इस तरह से हाथों से दबा देंगे जिससे ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो है ना फ्रेंड्स, बिल्कुल आसान तरीका। इस तरह की मुरमुरे की रेसिपी हमारे गाँव में बहुत ही मिलती है और दुकानों में भी मिलती है, तो मैंने भी घर में इसे ट्राई किया है। एक बार आप भी इसी तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन हाँ, इसे हाथों से सेट करने के बाद इसे हमें तुरंत ही इसे चाकू की मदद से इसे कट कर लेना है। अगर आप इसे सेट होने के लिए रख देंगे आधे घंटे के लिए तो कट करने में बहुत ही दिक्कत आती है, तो इसे तुरंत ही कट कर लीजिएगा जो भी आपको शेप में चाहिए। इसे हमें चारों साइड से पहले कट कर लेना है जिससे इसका शेप बहुत ही अच्छे तरीके से आए। देखिए, आप लंबे भी रख सकते हैं या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में भी कट कर सकते हैं। तो हम देखिए, हमने चारों साइड से इसे कट कर लिया है जिससे ये बराबर बराबर शेप में अच्छे से आएगी। आप इसे जो भी शेप में रखना चाहते हैं वो शेप इसे कट कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे मुरमुरे की रेसिपी तैयार हो गई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इन तीन रेसिपी में आपको कौन सी अच्छी लगी है ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू। और देखिए, मेरे घर में कितने सारे लड्डू बने हैं, पोहे और मुरमुरे के, और तिल के भी लड्डू बने हैं। वो रेसिपी आपको अगले दिन मिलेगी। जब सारे लड्डू बन जाए तो इसे 15 मिनट या आधे घंटे के लिए इसे खुले में रहने दें, इसे ये लड्डू अच्छे से ये सेट हो जाए। तो देखिए, हमारे घर में इतने सारे लड्डू बने हुए हैं। 15 मिनट या आधे घंटे बाद इसे एयर टाइट डिब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं, और आप इसे 1 से 2 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, और ये खराब भी नहीं होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।